हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लेमन मंकी। आज की वीडियो होने वाली है 1991 में एक बहुत ही बेहतरीन मूवी बॉयज एंड द हुड के बारे में, और साथ ही में इससे जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स तो होंगे ही। इसे डायरेक्ट किया है जॉन सिंगलटन ने, और इसमें मेनली एक्टर्स हैं क्यूबा गुडिंग जूनियर, लॉरेंस फिशबर्न, आइस क्यूब और मॉरिस चेस्टनट। और इस फिल्म को जो खास बनाती है वो है इसकी ट्रू स्टोरी, जो कि जॉन सिंगलटन की लाइफ से ही इंस्पायर्ड है, जिसमें दिखाया गया है ब्लैक कम्युनिटी से जुड़े कुछ मेजर प्रॉब्लम्स को। और इतने साल बीतने के बाद भी इस फिल्म की अलग ही कल्ट फॉलोइंग है, और मुझे पूरा यकीन है इस फिल्म को देखने के बाद आप भी इस कल्ट के मेंबर बन जाओगे। तो चलिए अब और देर ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हर एक इस ब्लैक अमेरिकन आदमी में से एक आदमी अपने ही कम्युनिटी के दूसरे आदमी के हाथों मारा जाता है। फिर सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है, जहाँ एक टीचर सभी बच्चों को हिस्ट्री का लेसन पढ़ा रही थी। तभी एक ट्रेन नाम का लड़का उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से टीचर उसे क्लास को पढ़ाने के लिए आगे बुला लेती है। और ट्रे पूरी क्लास को बताता है कि उसके डैड ने उसे बताया था कि दुनिया का पहला इंसान अफ्रीका में ही पाया गया था, जिस वजह से पूरी इंसानियत अफ्रीका से ही बिलोंग करती है। ये सुनकर एक बच्चा कहता है कि वो अफ्रीका से नहीं बल्कि अमेरिका से बिलोंग करता है। ट्रे उसे कहता है कि वो चाहे या ना चाहे पर वो अफ्रीकन ही है, लेकिन ट्रे उसे क्या ही कुछ समझा था। उल्टा वही लड़का उसको अफ्रीकन कहकर पूरी क्लास में उसका मजाक बना देता है, और इतनी छोटी सी बात के चलते उन दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। और अच्छा स्टूडेंट होने के बावजूद उसके गुस्से की वजह से टीचर ट्रे की मॉम रेवा को फोन करके कहती है कि ट्रे को 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। और ट्रे की फ्यूचर की चिंता की वजह से रेवा उसे उसके डैड फ्यूरियस सेल, जो कि क्रेंशो में रहता था, उसके पास ले जाने का डिसाइड करती है, और वो आगे की पढ़ाई वहीं के किसी स्कूल से कंटिन्यू करेगा, और साथ ही में वो उसके डैड से लाइफ की वैल्यूबल चीज़ें सीखकर एक जिम्मेदार इंसान बन सकेगा। और साथ ही में हम जान पाते हैं कि रेवा और फ्यूरियस का डिवोर्स हो चुका था। रेवा ट्रे को लेकर फ्यूरियस के पास आ जाती है, और जाने से पहले वो उससे कहती है कि वो उसे लेने जल्द ही आएगी। फिर हम देखते हैं कि ट्रे के उस हुड में पहले से ही कई दोस्त थे, जिनका नाम था डोबॉय, उसका सौतेला भाई रिकी और क्रिस। और ट्रे को जिम्मेदारी का पहला लेसन सिखाने के लिए फ्यूरियस उसे लॉन को साफ करने के लिए कहकर चला जाता है। और रात को फ्यूरियस उससे कहता है कि ऐसे ही कामों को उसे रोज़ करना होगा, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बन सके। और ये बात वो तब समझेगा जब वो उसी के किसी दोस्त को बुरी संगत में देखेगा, क्योंकि उन्हें सही चीज़ें सिखाने वाला उनके पास कोई नहीं है। इस सब के बाद ये दोनों सोने चले जाते हैं, और आधी रात को उनके घर में एक चोर आ जाता है, जिसकी आहट सुनकर फ्यूरियस उठ जाता है और चोर पर गन से फायर कर देता है, लेकिन वो चोर किसी तरह से बच जाता है। जिसके बाद फ्यूरियस और ट्रे पुलिस के आने का वेट करते हैं, और ट्रे फ्यूरियस से कहता है कि उसे उस चोर का सर उड़ा देना चाहिए था। फ्यूरियस उससे दोबारा ऐसा सोचने के लिए मना करता है, क्योंकि पहले से ही उनकी कम्युनिटी में लोग एक दूसरे को मारने पे तुले रहते हैं, और अगर वह उस चोर को मार देता तो उनमें और उसमें क्या फ़र्क रहता। आगे दो पुलिस वाले पूरे 1 घंटे लेट बाद उधर पहुंच जाते हैं, जिससे फ्यूरियस खुश नहीं था। पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिखने लगते हैं, तभी एक ब्लैक ऑफिसर उससे कहता है कि अगर उसने स्टोर को मार दिया होता तो उन्हें उधर आने की ज़रूरत ना पड़ती, और उसकी बातों से पता चल रहा था कि वो अपने ही लोगों के लिए कितना बड़ा रेसिस्ट था। फिर अगले दिन ट्रे, डोबॉय और रिक के घर जाता है, जहां हम उनकी मॉम ब्रेंडा को देखते हैं, और उसके बिहेवियर से पता चलता है कि वो रिक को डोबॉय से ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि उन दोनों के डैड अलग अलग थे। आगे उधर से निकलने के बाद ये तीनों क्रिस से मिलने जाते हैं, और क्रिस इन तीनों को एक डेड बॉडी दिखाने ले जाता है, जो कि गैंग वॉर की वजह से मरा पड़ा था, और उसकी बॉडी को उधर पड़े काफ़ी वक्त हो चुका था, जिस वजह से ट्रे वहाँ खड़ी एक गैंग से पूछता है कि उन्होंने उसकी बॉडी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि वो लाश उसे परेशान नहीं कर रही, तो वो क्यों चिंता कर रहा है। फिर वहाँ से निकलते वक्त डोबॉय क्रिस के साथ स्टोर में सामान लेने चलने के लिए कहता है, पैसे ना होने के बाद भी। फिर अगले सीन में हम ट्रे को फ्यूरियस के साथ फिशिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ फ्यूरियस उसे बताता है कि जब वो 17 साल का था तब वो बाप बन चुका था, और उसके दोस्तों ने उसे कई बार उनकी तरह गलत कामों को करने के लिए कहा था, जैसे रॉबरी, मर्डर और ड्रग्स बेचना, लेकिन वो ट्रे के आने की वजह से अपनी जिम्मेदारियों को समझ चुका था। और वो ट्रे से कहता है कि उनकी कम्युनिटी में कई आदमी बाप बनने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से भागने लगते हैं, लेकिन असली आदमी वही होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। फिर साथ ही में वो उसे अपनी आर्मी में होने का एक्सपीरियंस बताता है, और ट्रे को कभी भी आर्मी ना ज्वाइन करने के लिए कहता है, क्योंकि उधर ब्लैक लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती। आगे फिशिंग के बाद ये दोनों अपने घर आ जाते हैं, और वहाँ पहुँचते ही देखते हैं कि पुलिस डोबॉय और क्रिस को अरेस्ट कर ले जा रही थी स्टोर में चोरी करने की वजह से। फिर सीन सीधा 7 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ डोबॉय, जो कि अब क्रिप गैंग का मेंबर था, वो अपनी हाल ही में जेल से हुई रिहाई को अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था, जहाँ हम उसके बाकी दोस्तों को भी देख पाते हैं, जैसे क्रिस, जो कि गोली लगने की वजह से चल नहीं पाता था, डूकी और मॉन्स्टर, जो उसकी गैंग के मेंबर थे, रिकी, जो अपने स्कूल का स्टार रग्बी प्लेयर बन चुका था, और साथ ही में हम उसकी गर्लफ्रेंड शैनिस और उसके बेटे को भी देख पाते हैं, और आखिर में हम देखते हैं ट्रे को, जो कि एक मॉल में काम करता था और बहुत जल्द ही आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाने वाला था।
आगे एक लुइस क्रम नाम का आदमी रिकी से मिलने उसके घर आता है, क्योंकि रिकी ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। लेविस उसे बताता है कि उसे स्कॉलरशिप पाने के लिए एक एसएटी टेस्ट देना होगा, जिसमें उसे कम से कम 700 मार्क्स स्कोर करने होंगे। फिर अगले दिन ट्रे और रिकी दोनों एसएटी टेस्ट देने जाते हैं, जहां टेस्ट करते वक्त रिकी थोड़ा परेशान नजर आता है, पर ट्रे उसे इशारों से उसके पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहता है। फिर एग्जाम देने के बाद वो दोनों फ्यूरियस से मिलने उसके पास जाते हैं, और फिर उसे उन दोनों को लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ने का एग्जाम्पल देने के लिए काउंटर नाम के शहर में ले जाता है, जो कि अमेरिका का बहुत ही डेंजरस इलाका था, जहाँ पर ज़्यादातर क्रिप और ब्लड गैंग्स रहा करती थीं। और काउंटर और वहाँ की गैंग्स की राइवलरी से जुड़ी बातें जानने के लिए कमेंट करके बता देना कि आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं, जिनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फ्यूरियस उन्हें बताता है कि उनकी कम्युनिटी में आपसी रंजिशों की वजह से उन्हीं के लोगों का नुकसान हो रहा है, जिस वजह से उनके लोगों की प्रॉपर्टी वैल्यू कम होती जा रही है, और पैसों की कमी होने की वजह से उनके लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं। और साथ ही में वो बोलता है कि उनका सिस्टम भी यही चाहता है कि उनकी कम्युनिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, और उनका काम आसान करने के लिए उनके हुड में हर कोने पे कोई ना कोई लिकर शॉप और गन शॉप होती है, और आपसी लड़ाई की वजह से इनकी कम्युनिटी अपने लोगों को ही मार देती है जिन्हें वो कूल समझती हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम देखते हैं कि ट्रे और रिकी फ्यूरियस की बातों से काफ़ी इंप्रेस थे, और रिकी कहता है कि डोबॉय को भी उसकी बातें सुननी चाहिए, जिससे शायद वो सही रास्ते पर चल सके। आगे उसी रात वो दोनों डोबॉय से मिलने जाते हैं, जहाँ स्ट्रीट रेस होने वाली थी, लेकिन थोड़ी देर में ही रिकी की बहस एक ब्लड गैंग के मेंबर, जो कि क्रिप्स गैंग के दुश्मन होते हैं, उससे हो जाती है, जिस वजह से डोबॉय कार से निकलकर ब्लड्स को अपनी गन दिखाकर उनकी दिक्कत पूछता है, लेकिन ब्लड्स तब उनकी बातों पे कोई भी जवाब दिए बिना उधर से चले जाते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद माहौल शांत होते ही ब्लड्स का लीडर अपनी गन निकालकर हवा में फायर करने लगता है, जिससे वहाँ भाग दौड़ मच जाती है। ट्रे रिकी के साथ उधर से निकल जाता है, और वो बोलता है कि वो उसके हुड की वायलेंस से परेशान हो गया है, जिस वजह से वो शहर को छोड़कर चला जाएगा। और तभी वहाँ वही रेसिस कॉप आ जाता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो उन दोनों की तलाशी लेने लगता है, फिर वो ट्रे पे गन पॉइंट करके उसे धमकी देता है कि वो उसके जैसे लोगों को ही मारने के लिए पुलिस में आया है, और हर मीटिंग में वो ऑफिसर साबित कर देता है कि वो अपने ही लोगों से कितनी नफरत करता है। अगले दिन ट्रे डोबॉय के साथ उसके घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहाँ दूर से वही ब्लड गैंग उन्हें देख रही होती है, और डोबॉय के उन्हें देखते ही वो लोग उधर से निकल जाते हैं। और अंदर शैनिस रिकी को खाने का सामान लाने के लिए बोलती है, और बाहर आते ही कुछ देर में डोबॉय और रिकी के बीच मामूली सी बात के चलते लड़ाई हो जाती है, और ब्रेंडा इनकी लड़ाई आकर ख़त्म करवाती है, जिसके बाद रिकी ट्रे के साथ स्टोर के लिए निकल जाता है। और उसके जाते ही एक पोस्टमैन उसका टेस्ट रिजल्ट लेकर आ जाता है। ब्रेंडा उसे आवाज़ लगाकर उसे उसका रिजल्ट देखने के लिए रोकती है, पर रिकी फिर भी निकल जाता है। और थोड़ी देर बाद रिकी ट्रे को बताता है कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा, जिसे सुनकर ट्रे उसे आर्मी में न जाने की सलाह देता है, क्योंकि आर्मी में ब्लैक लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन रिकी फिर भी अपना मन बना चुका था, क्योंकि वह लाइफ में कुछ बनना चाहता था। आगे स्टोर से सामान लेने के बाद जब ट्रे और रिकी जा रहे थे, तभी उन्हें वही ब्लड गैंग मिल जाती है, जिन्हें देखकर वो दोनों उनसे बचकर भागने लगते हैं, और ब्लड्स उनका पीछा करने लगते हैं। और ब्लड्स को जाते देख डोबॉय समझ जाता है कि रिकी की जान खतरे में है, जिसके बाद वो अपनी गैंग के साथ रिकी को ढूंढने निकल जाता है। और दूसरी ओर रिकी ब्लड से बचने के लिए ट्रे को अलग अलग जाने के लिए कहता है, और ट्रे उसकी बात मानकर अलग जाने लगता है। पर तभी वो पीछे मुड़कर रिकी की ओर देखता है, तो उसे दिखता है कि ब्लड्स उसके आगे ही खड़े थे। तभी ट्रे रिकी को आवाज़ लगाता है, और उसकी आवाज़ सुनकर रिकी उनसे बचकर भागने लगता है। लेकिन तभी ब्लड्स का एक आदमी रिकी को शॉटगन से शूट करके मार देता है, और उनके जाने के बाद डोबॉय अपनी गैंग के साथ उधर पहुंच जाता है। फिर वो सब रिकी की बॉडी को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं, और उसकी बॉडी को देखकर उसकी मॉम और शैनिस बहुत बुरी तरह टूट जाती हैं, और ब्रेंडा रिकी की मौत का कसूरवार डोबॉय को मानती हैं। थोड़ी देर बाद ट्रे गुस्से में रिकी की मौत का बदला लेने के लिए डोबॉय को उसकी गैंग के साथ 5 मिनट में निकलने के लिए कहता है। तब तक ट्रे अपनी गन लेने अपने घर जाता है, और उसको जाते देख फ्यूरियस ट्रे को रिकी की मौत का अफसोस जताकर उसे बदला ना लेने के समझा बुझाकर कमरे में भेज देता है। लेकिन ट्रे थोड़ी देर बाद अपने रूम की खिड़की से कूदकर डोबॉय के साथ निकल जाता है, और कुछ देर बाद ट्रे को उसकी डैड की बातों का एहसास होता है, जिस वजह से वो डोबॉय का साथ छोड़ देता है। और तभी दूसरे सीन में ब्रेंडा रिकी का टेस्ट रिजल्ट देखती है, जिसमें रिकी ने काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया था, जिसे देखकर वो बहुत रोती है, क्योंकि रिकी अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता था, लेकिन एक मामूली सी बात के चलते रिकी को अनडिजर्विंग मौत मिली। आगे डोबॉय और उसकी गैंग ब्लड गैंग को एक जगह पे खाना खाते हुए ढूंढ लेते हैं, और उन्हें उनकी ओर बढ़ता देख ब्लड उधर से भागने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर अपनी गन से उन सबको शूट कर देता है, और डोबॉय उनके लीडर को खुद ही मारने के लिए आगे बढ़ता है, और उसे देखकर वो कहता है कि उसने रिकी को नहीं मारा था। लेकिन डोबॉय कोई माफ़ी देने के मूड में नहीं था, और तभी वो उसे शूट करके मार देता है। और आगे हम ट्रे को उसके घर पे लौटते हुए देखते हैं, जहां फ्यूरियस और वो बिना कुछ बोले अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर सीन सुबह शिफ्ट होता है, और डोबॉय ट्रे से मिलने आता है, और उससे कहता है कि वो समझ सकता है कि उसने उनका साथ क्यों छोड़ दिया था,
और साथ ही में वो कहता है कि वो जानता है कि ब्लड्स को मारने के बाद कोई उनका बदला लेने के लिए उसे भी किसी दिन मार देगा और ये बदले की भावना चलती रहेगी। और आखिर में वो कहता है कि रिकी की मौत के साथ उसकी फैमिली भी नहीं बची क्योंकि ब्रेंडा उसे अपना बेटा नहीं मानती। और इतना कहकर डोबे उधर से जाने लगता है, तभी ट्रे उसे रोककर गले लगा लेता है और उससे कहता है कि उसका अभी भी एक भाई जिंदा है, जिसे सुनकर डोबे काफी अच्छा महसूस करता है और वो अपने घर की ओर बढ़ जाता है। और तभी हमें एपिलॉग में बताया जाता है कि रिकी की बॉडी को अगले दिन दफनाया गया था और डोबे 2 हफ्ते बाद दुश्मनी के चलते ब्लड्स के हाथों मारा जाता है और ट्रे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जॉर्जिया में चला जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यही एंड हो जाती है। तो अब जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फिल्म जॉन सिंगलटन की डायरेक्टिंग डेब्यू फिल्म थी। फिल्म को थोड़ा रियल दिखाने के लिए डायरेक्टर जॉन ने किसी भी एक्टर को वार्न नहीं किया था कि ब्लड्स और क्रिप्स की आर्ग्यू के टाइम चलने वाली गोलियां असली होंगी, जिस वजह से गोलियां चलने के टाइम सभी लोगों के रिएक्शन रियल थे। आइस क्यूब जॉन की हमेशा से ही डोबे के रोल के लिए पहली चॉइस थे और उन्होंने आइस क्यूब को रोल के लिए उनके रैप म्यूजिक कॉन्सर्ट में अप्रोच किया था। कोलम्बिया पिक्चर्स ये मूवी किसी और डायरेक्टर के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन जॉन ने सबको कन्विंस कर लिया था कि उनके अलावा ये फिल्म कोई और बना ही नहीं सकता क्योंकि वो ऐसे ही उठ से थे जहाँ फिल्म में दिखाए गए इंसिडेंट होते रहते थे, जिस वजह से जॉन इस फिल्म से ज्यादा कनेक्टेड थे। और मैं खुद बहुत डिसअपॉइंट होता अगर कोई और इस फिल्म को डायरेक्ट करता रेदर देन जॉन सिंगलटन। ट्रे स्टाइल का रोल डायरेक्टर जॉन सिंगलटन से ही इंस्पायर्ड था। जॉन के फादर फ्यूज स्टाइल की तरह ही एक मोर्टगेज ब्रोकर थे और जब वो 12 साल के थे तब जॉन अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हुए थे। और ट्रे की तरह अपने फादर की गाइडेंस की वजह से जॉन हमेशा गलत चीजों से दूर रहकर अपने एकेडमिक्स पर ध्यान रखा करते थे। ये आइस क्यूब की डेब्यू फिल्म थी। ये फिल्म 1991 की मोस्ट फाइनेंशियली सक्सेसफुल मूवी थी। $6.5 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की थी पूरे $56.1 मिलियन की। डोबे और उसकी गैंग रोलिन 60s के क्रिप्स स्ट्रीट गैंग पर बेस्ड थी। ट्रे का रोल विल स्मिथ को भी ऑफर हुआ था, लेकिन विल उस टाइम द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर की शूटिंग में बिजी थे। बड़े क्रिस का रोल प्ले करने वाले एक्टर रेजी ग्रीन असलियत में गोली लगने की वजह से पैराप्लेजिक थे। फिल्म में रिकी का रिजल्ट लाने वाला पोस्टमैन और को नहीं बल्कि जॉन सिंगलटन खुद थे। आइस क्यूब और लॉरेंस फिशबर्न दोबारा एक साथ 1995 में आई हायर लर्निंग और 2014 में आई राइड अलोंग मूवी में नजर आए थे। कई असली क्रंशो माफिया ब्लड सिस्टम से गुस्सा थे क्योंकि फिल्म में उनकी असली पर्सनैलिटी की जगह उन्हें फिल्म में कावड़ली दिखाया गया था। फिल्म में दिखाया गया रेसिस ब्लैक ऑफिसर जॉन सिंगलटन के बचपन के एक इंसिडेंट से इंस्पायर था, जहां उनकी वैसे ही एक ऑफिसर से मुलाकात हुई थी। फ्यूरियस स्टाइल्स के रोल के लिए एडी मर्फी को भी कंसिडर किया गया था। जब ये फिल्म नेशनली रिलीज हुई थी तब थिएटर में राइवल गैंग्स के बीच बहस इतनी बढ़ गई थी जिससे बात शूट आउट पे आ पहुंची थी। जॉन सिंगलटन फिल्म में आइस क्यूब की गैंग के लिए उनके NWO बैंड को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन सैलरी डिस्प्यूट के चलते आइस क्यूब ने NWO को छोड़ दिया था, जिस वजह से उन्होंने डोबे की गैंग के लिए दूसरे एक्टर्स को कास्ट किया था। तो ये थे इस फिल्म के स्टोरी और फैक्ट्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही बेहतरीन मूवीज की स्टोरी जानने के लिए द लेमन मंकी चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, लिव फ्री एंड स्टे सिनेमैटिक।